नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा, एक एक नहीं देखा जाए तो 6 आईटी कंपनीज के बारे में। देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में आज बात क्यों करूंगा, तो आप सभी जानते हैं आज के दिन मार्केट करीबन करीबन 2% तक गिरावट हुआ था। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी 2% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला था, और फिर से छोटा मोटा रिकवरी तो जरूर किया होगा। और आईटी इंडस्ट्रीज के कारण ही आज के दिन मार्केट गिरा हुआ है। तो कौन सा वो कारण है, चलो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। और हाँ, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप हमारा लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो एक बिग क्रैश देखने को मिला। मार्केट पिछले दिनों में निफ्टी का जो हालत हुआ, करीबन करीबन 2% से भी ज्यादा गिरावट निफ्टी में देखने को मिला, और सेंसेक्स भी करीबन करीबन 1000 प्लस सॉरी 1000 माइनस में देखने को मिला। क्योंकि देखिए, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, उस रीजन के ऊपर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी, और तो जिस तरीके से देखिए गिरावट हुआ है उसके पीछे तो बहुत सारा लॉजिक है, मगर मेन जो कारण है वो है आईटी इंडस्ट्रीज। तो इंडिया से जो मेन कारण बन के आए हैं स्टॉक मार्केट में गिरावट का, जो मेन कारण है उसका, जो मेन कारण है वो है आईटी इंडस्ट्रीज। क्योंकि देखिए, आपको मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊँ तो देखिए यहाँ पे लाइव इन यहाँ पे इंडेसिस वॉच, मतलब आप लाइव इंडेसिस वॉच देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चीज कुछ आपको देखने को जरूर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500 एंड मिड कैप, इस तरीके से कुछ डेटा देखने को मिलेगा। किसके अंदर कौन सा कंपनी है वो तो आपको पता नहीं है, आप एक एक करके ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, बहुत सारे जो पुराने निवेशक है उसको पता होता है कौन सा कंपनी, कौन सा इंडेसिस के ऊपर कौन सा कंपनी है। तो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ सेक्टर वाइज इंडेसिस। देखिए, सेक्टर वाइज आप इंडेसिस देखेंगे तो देखिए हर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं तो आज के दिन सिर्फ के सिर्फ पॉजिटिव में देखने को मिला सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर, बाकी देखिए सारे के सारे रेड कलर में देखने को मिला। सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर बाकी जितने सारे कंपनीज है उनमें देखा जाए तो आज के दिन सिर्फ के सिर्फ एफएमसीजी में ही पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव में है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आज के दिन मार्केट को गिरावट के मेन पीछे जो कारण है वो है आईटी इंडस्ट्रीज। अब देखेंगे निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है आज के दिन का, करीबन 4.5% करीबन 5% तक बोल सकते हैं गिरावट एक दिन में देखने को मिला। देखिए, कोई भी इंडाइसेस में अगर इतना ज्यादा गिरावट हो रहा है तो, और वो भी सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट निफ्टी को क्यों किया, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर वो आईटी सेक्टर है जो दिग्गज है, जो इंडिया के सबसे लार्ज आईटी सेक्टर है, मतलब टॉप लेवल में टॉप 3-4 कंपनीज है जो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर आते हैं। तो इसीलिए मार्केट को और भी प्रेशर क्रिएट हुआ। और क्यों आईटी सेक्टर गिरा तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए जरूर। तो चलो देख लेते हैं एनएससी के वेबसाइट में आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। तो निफ्टी आईटी जितने से है, कौन सा आईटी इंडस्ट्रीज निफ्टी के अंदर है आप देख सकते हैं। एसेल टेक, देखिए पहले तो बता चुका हूं मैं कितना परसेंट गिरावट हुआ है, अब देखना है कौन सा कंपनी गिरावट हुआ। एसेल टेक कितना, 2.25%, अराउंड 3% से भी ज्यादा गिरावट हुआ था। एलटीआई जो एलएनटी ग्रुप का कंपनी है वो 3.25, टीसीएस जो टाटा ग्रुप का कंपनी है 3.35, कोफोर्ज वो भी देखिए 3.67 61% का, विप्रो जो 3.63% का गिरावट, माइंडट्री जो भी दिग्गज कंपनी है वो भी देखिए 4.66 कंपनी का सॉरी 66% का गिरावट हुआ है। एलटीटीएस तो ये भी एक एलएनटी ग्रुप का कंपनी है तो ये भी 5% तक गिरावट है। टेक महिंद्रा जो महिंद्रा ग्रुप के आईटी सेक्टर है वो भी 5-5.5% तक गिरावट हुआ है। इन्फोसिस जिसको सबसे ज्यादा झटका लगा वो है इन्फोसिस 7%, और एम्फेसिस जो देखा जाए तो 7.26% का गिरावट। तो एक्चुअली इस तरीके से गिरावट के पीछे रीजन कौन सा है, तो देखिए एक्चुअली आज के दिन का आईटी इंडस्ट्रीज में गिरावट का सबसे जो मेन रीजन है वो है टीसीएस और इन्फोसिस। क्योंकि देखिए सिर्फ यही दोनों कंपनी जिसका Q4 का रिजल्ट ऑलमोस्ट पब्लिश हो चुके हैं, तो Q4 का रिजल्ट पब्लिश दोनों ही कंपनी ने पब्लिश किया। जो टीसीएस ने मोटा मोटी देखा जाए तो प्रॉफिट को ग्रोथ किया, मगर उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आया तो भी फिर भी टीसीएस एक पॉजिटिव मूवमेंट में था। मगर इन्फोसिस जो
इन्फोसिस जो है वो देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्केट को प्रेशर गेट किया, और इसी के कारण बाकी जितने सारे आईटी इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर प्रेशर गेट हो चुके हैं। देखिए मान के चलिए पांच मतलब 10 कंपनी है, जिनमें से टॉप 3 कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो बाकी जो 7 कंपनी है उनमें 7 कंपनी देखिए, इस तीनों कंपनी अगर अप टेन में जाएगा तो इस 7ों कंपनी भी अप टेन में ही जाएगा, अगर इस तीनों कंपनी में नेगेटिविटी आएगा तो इस 7ों कंपनी भी डूबेगा, डूबेगा मतलब उसका भी गिरावट होगा। तो इसी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि देखिए जब लार्ज कैप कंपनी उसी सेक्टर से अच्छा नहीं परफॉर्मेंस किया तो इन्वेस्टर को लगता है कि जितने सारे इन्वेस्टर बाकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं उसको भी लगता है इतना बड़ा कंपनी अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया अच्छा खासा तो बाकी छोटा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। तो यही एक डाउट क्रिएशन हो चुके हैं, तो इस डाउट क्रिएशन के कारण ही यहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज में जबरदस्त फॉल देखने को मिला। तो अभी देख लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। सबसे पहले मैं इन्फोसिस के ऊपर ही मैं आपको लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं इन्फोसिस का जो रिपोर्ट है, जो न्यूज है, टोटली इन्फोसिस टेक्स यहाँ पे देख सकते हैं 9% पेट, मतलब Q4 का जो रिजल्ट है वो 9% तक उसका रिजल्ट खराब हो चुके हैं, मतलब 9% प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे लॉस नहीं किया कंपनी, कोई लॉस नहीं किया, मगर 9% तक कंपनी का लॉस मतलब प्रॉफिट डाउन हो चुका है। देखिए 9% आपको लग रहा है कि 9% चलो कुछ भी नहीं है, मैं तो 9% से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग कर लेता हूँ, तो इस तरीके से कोई बात नहीं होती। 9% मतलब कितना करोड़ों का लॉस, मतलब कंपनी प्रॉफिट को कम किया, तो आप सोच ही लीजिए। तो यही चीज सबसे नेगेटिव इशू यहाँ पे देखने को मिला। तो इस रिपोर्ट को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आप इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। आप देख सकते हैं सिर्फ 9% का जो प्रॉफिट कम नहीं हुआ, उसके साथ आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ मगर मिस हो गया क्या मतलब एस्टिमेशन। तो जो एस्टिमेट था, जो एक्सपेक्टेशन था, तो उन जो एस्टिमेट का जो एक्सपेक्टेशन था वो मिस हो चुके हैं। मतलब देखिए कोई भी मान के चलिए Q3 जब खत्म हुआ था, Q4 शुरू होने से पहले एक एस्टिमेट किया जाता है और एक एक्सपेक्टेशन रहता है कंपनी का कि इस तरीके से रिजल्ट होगा। तो अगर वो रिजल्ट नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट के जितने सारे इन्वेस्टर है, जितने सारे बड़ा इन्वेस्टर है, उसको लगता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं हुआ, तो इसलिए मार्केट वो नेगेटिव रिएक्ट करते हैं और ऑब्वियसली स्टॉक को गिरावट देखने को मिलता है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ और इतना दिग्गज कंपनी ऑब्वियसली देखा जाए तो उसका प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। इसका मतलब बाकी सारे कंपनीज के ऊपर भी प्रॉफिट शायद डाउन होगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टर को कहना है, मतलब इन्वेस्टर जितने सारे हैं उसको लगता है, तो इसीलिए अच्छा खासा सेल आउट यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि देखिए उसका भी रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि अब नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा मतलब कल आएगा माइंड्री का रिजल्ट, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो अलग से आपको बना दूंगा। तो माइंड्री का भी रिजल्ट आने वाला है, तो पहले से ही देखिए माइंड्री का जो हालत है, आप माइंड्री का हालत देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। देखिए 4.5% तक गिरावट, अराउंड 5% तक गिरावट, इसका मतलब क्या है, उसका रिजल्ट आने वाला है, अभी उसका टाइम आने वाला है, टाइम मतलब उसका पीरियड आने वाला है कि अभी उसका रिजल्ट किस तरीके से होगा। तो पहले से ही जो इन्वेस्टर है वो माल बेचकर भाग रहे हैं। देखिए माल बेचकर भाग रहे हैं मतलब पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया है, तो पैनिक सिचुएशन में बाकी जितने सारे रिटेल निवेशक है उसको लगता है स्टॉक में गिरावट हो रहा है, इन्फोसिस में रिजल्ट खराब हुआ है, मतलब बाकी सारे के सारे कंपनीज में रिजल्ट खराब होगा। इस तरीके से बात कभी नहीं होते। मैं जरूर कहूंगा आप, मैं जितने सारे कंपनीज के बारे में यहाँ पे दिखाऊंगा उस कंपनी में आज के दिन तो गिरावट हुआ है, मगर इस तरीके से गिरावट का ही फायदा आपको हमेशा उठाना चाहिए। तो चलो एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले TCS, TCS देखिए करीबन 3.5% से भी ज्यादा गिरावट, तो यहाँ पे एक मौका है आपका अच्छा खासा निवेश करने के लिए, क्योंकि इस तरीके पहले तो कंपनी का जो हाई है वो 4,000 के ऊपर थे, अभी 3,500 मतलब 500 पॉइंट का नीचे आपको, 500 पॉइंट का नीचे आपको माल मिल रहा है, ये भी एक पॉजिटिव आप जरूर सोच के चलिए। और दूसरी बात, अब दूसरी बात जो है, तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो जरूर कंटिन्यू करिएगा, एक भी शेयर बेचिएगा मत। दूसरा है इन्फोसिस, देखिए इन्फोसिस में लॉस तो जरूर हुआ है मगर मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी शायद आपको दोबारा नहीं मिले, तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है, आपको एक मौका मिला है क्योंकि 1953 में था, अभी 1600 मतलब अराउंड 300 रुपीज के नीचे कंपनी चल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। उसके बाद विप्रो, विप्रो भी ऑब्वियसली एक बहुत जबरदस्त कंपनी है जो 750 रुपीज में
चल रहा था, अभी 550 में चल रहा है, मतलब 200 रुपीज के नीचे चल रहा है। तो इसके ऊपर भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और अभी एक अच्छा खासा टाइम मिला है इस कंपनी के ऊपर निवेश करने का। तो देखिए एलटीआई जो है वो लार्सन टुकरो इन्फोटेक जो है, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे 7588 था, अभी देखा जाए तो कंपनी 5800, मतलब कंपनी करीबन करीबन 1800 समथिंग इस पीरियड में कंपनी काम कर रहा है। तो इसके ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, ये भी एक जबरदस्त कंपनी है। एसेल टेक ये भी एक जबरदस्त कंपनी है, ये इंडिया का देखा जाए तो नंबर फोर्थ कंपनी है। तो इसके ऊपर भी आपको फोकस रखना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको एक मौका मिला है अच्छा खासा निवेश करने का। और उसके बाद देखिए टेक महिंद्रा, ये भी एक जबरदस्त कंपनी है, इंडिया का फिफ्थ नंबर लार्जेस्ट कंपनी है, इसके ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। और दूसरी बात जो है माइंटी भी एक जबरदस्त कंपनी है, इसके ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। तो सारे के सारे कंपनीज के ऊपर, किसी भी एक कंपनी के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट है तो एक भी पैनिक होने का जरूरत नहीं, आप स्टॉक में कंटिन्यू करिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आईटी इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं यहाँ स्टॉक लेके, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।